क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एंटरटेनिंग अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं सनी सिंह का बेस्ट फ्रेंड यानी कि रोली आंटी। जस्ट किडिंग। आज हम बात करने वाले हैं सुलक्षणा काटरी जी के बारे में यानी कि रोली आंटी जी के बारे में। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोग जानते थे कि रोली आंटी का असली नाम है सुलक्षणा काटरी। एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द ह्यूज सपोर्ट गाइस। हमने क्रॉस कर लिया है 12,000 सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, आपके प्यार के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। एंड मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो आने में बहुत ही देर लग गई है क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे दोस्तों, अभी वो सब क्लियर हो चुके हैं। फिलहाल आज तो वीडियो आ ही चुका है दोस्तों, इस वीडियो में मैं गिवअवे का विनर कौन है उसका अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए एंटरटेनिंग अपडेट्स को और पोस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। सो दोस्तों, सुलक्षणा काटरी जी ने उनका एक्टिंग का करियर शुरू किया था 1987 में। आपको ये सुन के हैरान होगा कि उन्होंने रामायण सीरियल में भी अपीयर हुए थे जो कि एक इंडिया का लार्जेस्ट सीरियल कह सकते हो। इधर उन्होंने मांडवी का रोल प्ले किया था। इस सीरियल को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं दोस्तों। जब डीडी नेशनल टीवी चैनल ने इस सीरियल को फिर से चलाया था अपने चैनल पर लॉकडाउन में, इसका टीआरपी आसमान छू गया था दोस्तों। सो आप समझ सकते हैं इस सीरियल को कितने सारे लोग पसंद करते हैं। सो सुलक्षणा काटरी जी को ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हो सकता है। और 1990 में उन्होंने अपीयर हुए थे अबू कालिया मूवी में जो उनके एक्टिंग के करियर में फर्स्ट मूवी था। इधर उन्होंने साइड रोल का कैरेक्टर प्ले किया था। और 1993 में उन्होंने अपीयर हुए थे श्री कृष्ण सीरियल में। इधर उन्होंने उनका एक्टिंग स्किल्स का पूरा उपयोग करके एक बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था रोहिणी। ये भी डीडी नेशनल पे आता था। उसके बाद उन्होंने अलिफ लैला में अपीयर हुए थे। ये सीरियल बेस्ड है अरेबियन नाइट्स पर। इधर उन्होंने बहुत तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं। और इस सीरियल के बाद डीडी नेशनल पे उनका एक्टिंग समाप्त हो गया था। और उसके बाद 2002 में उनका दूसरा फिल्म आया था जिसका नाम था अंगार दी फायर। इधर उन्होंने बहुत ही कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है। और इधर उन्होंने जॉनी लिवर सर और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने 7 इयर्स गैप लेकर 2009 में तेरे मेरे सपने सीरियल में अपीयर हुए थे। और इधर उन्होंने मेन कैरेक्टर प्ले किया था जो कि था माँ जी का कैरेक्टर। एंड फाइनली इन 2011 उन्होंने बेस्ट ऑफ लकनिकी में अपीयर हुए थे। और इधर उन्होंने रोली आंटी का कैरेक्टर प्ले किया था। इधर उन्होंने बहुत ही कमाल का एक्टिंग किया है। बेस्ट ऑफ लकनिकी रोली आंटी के बिना बहुत ही अधूरा अधूरा सा लगेगा। सो आप इधर फील कर सकते हो कि रोली आंटी ने उनका एक्टिंग का कितना ज्यादा इम्पैक्ट दिखाया है इस सीरियल में। और 2012 में उन्होंने द स्वीट करण कबीर में अपियर हुए थे। और इधर उन्होंने शोभा जी का रोल प्ले किया था। और 2012 में उन्होंने कृष्णा और कांस एनिमेटेड सीरीज में वॉइस ओवर भी दिया है। एंड 2015 में उन्होंने गोल्डी हाउजा मैट्रिक पास में अपियर हुए थे। इधर उन्होंने ट्विंकल मैम का रोल प्ले किया था। और 2016 में जाने ना दिल से दूर सीरियल में अपियर हुए थे। इधर उन्होंने इंदुमती काश्याप का रोल प्ले किया था। और 2019 में उन्होंने कुल्फी कुमार बाजेवाला में अपियर हुए थे। और फाइनली 2020 में उन्होंने संजीवानी में अपियर हुए थे। इधर उन्होंने दादी का रोल प्ले किया था। ये एक बेस्ट ऑफ लकनिकी का रीयूनियन कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इधर हिमानी जी यानी कि गुरदीप पुंजी ने भी एक्टिंग किया है। सो ये था गाइस उनका एक्टिंग का करियर 2020 तक। सुलक्षणा काटरी जी एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। वेल, चलिए गाइस, फाइनली आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि मैं अभी करने वाला हूँ गिवअवे विनर का अनाउंसमेंट। सो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किस कमेंट पे ज्यादा लाइक्स आया है। सो मोस्ट लाइक्स के साथ लीडिंग में है ओमकार राठौड़। कंग्रेचुलेशन ओमकार राठौड़, आपने जीते है 1,000 रुपीज कैश प्राइज। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। और बाकी लोग जिन्होंने गिवअवे में पार्टिसिपेट किया है उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे गिवअवेज करते रहूंगा मेरे चैनल पे। सो ओमकार राठौड़ जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेल, चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।